आपको बड़ी खबर बताते हैं। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण की वोटिंग आज है और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। 5 जिलों की 44 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और वो हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण की आज वोटिंग होनी है, जिसको लेकर चुनाव प्रचार किस तरीके से किया गया वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। 5 जिलों की 44 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ईवीएम मशीन खराब है, इसको चेंज करना पड़ेगा। बंगाल में आज होगा चौथे चरण का महासंग्राम। किसे मिलेंगे वोट, किस पर पड़ेगी चोट? वोट खेला में वोटर्स का चोट खेला। बंगाल का सियासी घमासान अब धीरे धीरे अपने अंजाम की ओर बढ़ने लगा है। आज बंगाल के चुनावी रण की आधी जंग पूरी होने वाली है। चौथे चरण में 5 जिलों की 44 सीटों पर आज मतदान होना है। जिन सीटों पर मतदान होगा उसमें हुगली की 10 सीट, हावड़ा की 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि सबसे ज्यादा दक्षिण 24 परगना की 11 सीटों पर वोटिंग होगी। कूच बिहार की 9 सीट और अलीपुरद्वार की 5 सीटों पर मतदान होना है। खास बात यह है कि दक्षिण 24 परगना में आधी से ज्यादा सीटों पर महिला मतदाता निर्णायक भूमिका में रहेंगी, क्योंकि यहां पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर ज्यादा हैं। 15,70,392 महिला वोटर्स हैं, तो 15,66,161 पुरुष मतदाता हैं, जिसमें कुल 6 सीटों पर महिला वोटर्स का दबदबा है। दक्षिण 24 परगना की जिन सीटों पर महिला वोटर्स की भूमिका अहम होगी उसमें सोनारपुर दक्षिण, सोनारपुर उत्तर, जादवपुर, टॉलीगंज विधानसभा, बेहला उत्तर और बेहला दक्षिण सीट शामिल है। चौथे चरण में कुल 373 उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो, पूर्व बहलापुर से पायल सरकार और चिनसोहरा से लॉकेट चटर्जी के भाग का फैसला होना है। मतदान शांतिपूर्ण रहे इसके लिए चुनाव आयोग ने खास इंतजाम किया है। बंगाल में हिंसा को देखते हुए चुनाव आयोग ने सभी 44 सीटों पर सख्त पहरा लगाया है। 5 जिलों में भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सुरक्षा बलों के 779 कंपनियां भेजी गई हैं, जिसमें अकेले कूच बिहार में सुरक्षा बलों की 187 कंपनियां लगाई गई हैं। पिछले 3 चरण में वोटर्स ने चुनाव में काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिससे करीब 80% तक मतदान हुआ। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस चरण में भी वोटर्स का उत्साह जरूर दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर करू करते हैं। बंगाल में हिंसा को देखते हुए मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा देखने को आज मिलेगी। अर्धसैनिक बलों की 789 कंपनियां तैनात की गई हैं। तो वहीं कूच बिहार में हर बूथ पर सुरक्षा सख्त की गई है, क्योंकि जो 3 चरणों के चुनाव हमने देखे हैं किस तरह की हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं, और ऐसे में अब यहां पर सुरक्षा पैनी कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। खासकर कूच बिहार की बात करें तो हर बूथ पर कड़ा पहरा है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं और हर अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए, कैसी तस्वीर सामने आती है वो आप तक पहुंचाने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं, जो कि लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर कि कैसे आज मतदान होना है और इसको लेकर सुरक्षा जो है वो भी कड़ी कर दी गई है, क्योंकि लगातार हिंसा की भी खबरें सामने आती हैं और इसीलिए सुरक्षा बेहद सख्त यहां पर कर दी गई है। चलिए सीधा रुख करते हैं अलग अलग जगहों से। हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, लक्ष्मी उपाध्याय बेहाला से लाइव हमारे साथ है, सरफराज सैफी हैं टॉलीगंज से हमारे साथ, रोहित और श्वेता हावड़ा से हमारे साथ है, रमन बर्दवान से हमारे साथ है और साथी प्रत्युष हमारे सहयोगी मुर्शिदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लक्ष्मी का रुख करते हुए, लक्ष्मी क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण आज का चुनाव है और क्योंकि हिंसा की भी खबरें लगातार आती है, सुरक्षा भी यहां पर सख्त है, अभी कैसे तस्वीर सामने आ रही है, क्या तैयारी? चलिए फिर से लक्ष्मी का रुख करेंगे, लेकिन सरफराज सैफी भी टॉलीगंज से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सरफराज, आपसे वो तस्वीर समझना चाहेंगे, क्योंकि कुछ ही देर का वो समय होगा जिसके बाद मतदान शुरू होगा, क्या लोगों का कहना है, कैसा उत्साह, कैसी तैयारी? देखिए बिल्कुल, मैं इस वक्त कोलकाता के टॉलीगंज में मौजूद हूं और यहां पर अब से थोड़ी देर के बाद वोटिंग शुरू होनी है। मैं दिखाना चाहूंगा, कुछ लोग यहां पर आने शुरू हो गए हैं और जिस जगह मैं खड़ा हूं ये टॉलीगंज का इलाका है और यहां बड़ी तादाद में बीएसएफ के जवान लगाए गए हैं। मैं आपको पोलिंग बूथ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ।
आप देखिए यहाँ पर जो है कोविड का जो तमाम प्रोटोकॉल है वो यहाँ पर निभाया जा रहा है, मास्क है, सैनिटाइजर है, और इसके अलावा थर्मामीटर से भी यहाँ पर चेकिंग की जा रही है कि जो भी यहाँ वोट करने के लिए आएगा उसका बकायदा यहाँ पर थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर चेक होगा, मास्क दिया जाएगा, सैनिटाइजर किया जाएगा, उस तरह की तैयारी है। मैम किस तरह की तैयारी है आपकी? मास्क है, थर्मामीटर, देखिए इधर 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 भी आप देखेंगे, इधर भी पूरी तरीके से तैयारी हो रही है। ये सुबह से इस वक्त लगे हुए हैं, पोलिंग एजेंट हैं अलग अलग पार्टीज के, और सामने मैं जिस जगह हूँ ये सामने यहाँ पर पोलिंग बूथ है। यहाँ पर भी अगर मान लीजिए कोई इधर आता है तो इधर भी उसका पूरे तरीके से टेस्टिंग, थर्मामीटर से टेस्टिंग होगी और उसके बाद में उसका कितना टेम्परेचर है, यहाँ पर भी इस तरह की तैयारी की गई है। ये सामने पोलिंग बूथ है जहाँ पर होगा। ये मैम खड़ी है यहाँ पर, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, ये एक्चुअली तस्वीर है, यहाँ पर इसी तरीके से हो गई है। और ईवीएम देखिए सामने जो ये गाड़ी खड़ी है यहाँ पर सिक्योरिटी के साथ में, ईवीएम यहाँ पर मौजूद है। मैं कहूंगा कि एक बार जरा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सरफराज आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। लेकिन रोहित और श्वेता का भी रुख कर लेते हैं। रोहित श्वेता, इस वक्त आप दोनों कौन से पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें, किस तरह की तैयारियां? देखिए मैं बाली में मौजूद हूँ, श्वेता भी मेरे साथ मौजूद है। बाली में हाई प्रोफाइल सीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि पायल सरकार बीजेपी में आई और उसके बाद ये सीट जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। हम जहाँ पे खड़े हैं ये देखिए तस्वीरें यहाँ पे श्वेता, ये तस्वीरें सिक्योरिटी की, क्योंकि देखिए बिल्कुल देखिए सिक्योरिटी की बात बार बार की जा रही है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सिक्योरिटी टाइट है और कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 बूथ हैं बताए जा रहे हैं, 6, 7, 8, 9, ये 4 अंदर बूथ हैं और यहाँ पे व्यवस्थाएं जो है वो कर दी गई है। साथ ही साथ एक दादा जरा वो जूम करके दिखाइएगा किस तरीके से आपको वोट कास्ट करना है, उसे भी चस्पा किया गया है कि अगर आपको नहीं जानकारी है या फर्स्ट टाइम वोटर है तो आप इससे भी जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको वोट कास्ट करना है। हालांकि लोग होते हैं वो भी आपको बताते हैं, और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि लोग सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं 7 बजे और मतदान शुरू हो। यहाँ पर महिलाएं और जो पीछे आप लोग देख रहे हैं ये मोहल्ले के लोग हैं जो पहुंच गए हैं सुबह सवेरे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। रोहित, ये अच्छी बात है कि लोग जागरूक हो रहे हैं और लोग सुबह से ही खुद इंतजार कर रहे हैं कि 7 बजे और वो अपने वोट कास्ट कर पाए। बिल्कुल, ये अलर्टनेस है। अलर्टनेस इसलिए है क्योंकि देखिए आपको पता है कि 7 बजे आपकी वोटिंग राइट का जो सही अधिकार है वो होगा, लेकिन उससे पहले ही देखिए लोग यहाँ पर मौजूद है। कितने बजे दादा? 7 बजे से वोटिंग होना है, वोट देने पहले आ गया। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, श्वेता जो तस्वीरें आपने दिखाई है बहुत दिलचस्प है क्योंकि अभी सिर्फ 6:15 ही हो रहा है, ऐसे में वहां पर लंबी लंबी कतारें लगने लग गई है। पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, फिर लौटेंगे आपके पास। बंगाल में वोटिंग से पहले ही पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें लग गई जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होना है, लेकिन उससे पहले ये लंबी कतारें बहुत कुछ बयां करती है। 44 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, तो ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। देखिए क्योंकि 7 बजे का वो समय है जब मतदान शुरू होगा, लेकिन उत्साह लोगों में पहले से ही नजर आ रहा है, यानी कि लंबी लंबी कतारों में लगते हुए अपनी बारी का फिर इंतजार करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन ये लाइन लगना सुबह से ही शुरू हो चुकी है क्योंकि अभी आधे घंटे का वक्त अभी बाकी है। तो देखिए ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से पहले जो 3 चरणों में चुनाव हुए हैं उसमें मतदान जो फीसद रहा वो देखने को मिला, और अब ज्यादा की उम्मीद जताई जा रही है। और चलिए सीधा रुख करते हैं रमन का, हमारे साथ जुड़ चुके हैं वर्तमान से, वो हमारे साथ जुड़े हैं। रमन, जो तस्वीरें श्वेता रोहित ने दिखाई वहां पर तो वोटर्स की लंबी लंबी कतार अभी से लग गई है, जहां पर आप हैं वहां की क्या तस्वीर है? देखिए प्रीति, जिस तरह से पूरा का पूरा ये चुनाव चल रहा है उसमें से 4th चरण के चुनाव की आज वोटिंग होनी है और 5वें चरण का जो चुनाव है उसके लिए तैयारियां लगातार चल रही है। तो मैं वर्तमान में मौजूद हूँ जहाँ बाद में चुनाव होना है, लेकिन जो पूरा का पूरा हम हिंदुस्तान पर लगातार दिखा रहे हैं, हर फेज के चुनाव की हर खबर हर रंग आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जहां चुनाव है वहां पोलिंग हो रही है, लेकिन जहां नहीं है वहां पर लगातार जो पार्टी है उसके बड़े नेता हैं वो प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। कल ही वर्धमान में जेपी नड्डा ने बड़ा रोड शो किया, क्योंकि एक पोल के बाद, एक फेज के चुनाव के बाद अगले फेज के चुनाव की तैयारी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसमें फेज में जो आगे लीड करता जाएगा उसी के जीत होगी, उसी के हाथ में बंगाल होगा। तो इसीलिए बड़ी रैली कल वर्धमान में की गई। तो जहां 5वें चरण का चुनाव होने वाला है वहाँ के लिए पूरी तैयारी पार्टियाँ कर रही हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि आप 4th चरण में हैं तो आपको वहीं पर तैयारी करनी है और उसके बाद आपको आगे पढ़ना है। पूरी स्ट्रेटेजी बनी हुई है, पूरी प्लानिंग बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हर फेज बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर 4th फेज की बात करें तो हावड़ा, हुगली, 24 परगना और जो कूच बिहार और अलीपुर द्वार है वहाँ पर बेहद
महत्वपूर्ण सीटें, और खासकर हावड़ा की बात करना चाहूंगा क्योंकि हावड़ा में दीदी का गढ़ रहा है और उस दीदी के गढ़ के जो बड़े सिपाही थे वो थे राजीव बैनर्जी, और वो सुवेंदु अधिकारी की तरह टीएमसी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, और इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार हावड़ा में दीदी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाने में शायद कामयाब हो जाए। बिल्कुल रमन, लौटेंगे आपके पास, सब बने रहिए हमारे साथ। लक्ष्मी उपाध्याय बेहाला से हमारे साथ जुड़ी हुई है। लक्ष्मी, वहां पर क्या कुछ लोगों का कहना है, क्योंकि चुनाव प्रचार अब तो जोरों शोरों से किया गया है, क्या उसका असर नजर आता है? बिल्कुल, देखिए मैं बेहाला पूर्वी विधानसभा सीट पर मौजूद हूँ, वार्ड नंबर 143, और यहाँ पर ये देखिए बूथ के ठीक सामने मैं मौजूद हूँ, और बूथ में किस तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और यहाँ पर लोगों का पहुंचना भी शुरू हो गया। ये देखिए मैं अंदर की तैयारियां आपको दिखा रही हूँ, तैयारियां पूरी की गई हैं, अभी पहले ही ईवीएम को चेक किया गया और वो जगह है जहां पर वोट डाला जाएगा। देखिए तैयारियां पूरी हैं पूरी तरीके से, और यहां पर 7 बजे वोटिंग शुरू होगी, लेकिन उससे पहले देखिए यहां पर वोटरों का पहुंचना शुरू हो गया है, तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। मैं इनसे बात कर लेती हूं कि सबसे पहले वोट डालने की कितनी उत्सुकता है इन लोगों में, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं जी, क्या मुद्दे रहेंगे आज वोट डालते समय दिमाग में? देखिए बंगाली में बोलूं, हिंदी में कोशिश करना है, ओके। अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना चाहिए, करप्शन जो है वो ख़त्म होना चाहिए, ये दोनों मेन। और कहते हैं जो हम लोग का लिटरेसी बड़ा है, लेकिन एडुकेटेड नहीं हुआ है पब्लिक, एडुकेटेड होना चाहिए। एडुकेटेड अगर होगा ना पब्लिक, तो ऐसे ही हम लोग जो सही है वो चूज़ करेंगे। देखिए एजुकेशन की बात की गई, सीनियर सिटीजन, एक 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 दादी मेरे साथ जो सबसे पहले वोट डालने के लिए यहाँ पहुंची है, चेहरे पर मुस्कुराहट है। दादी, सबसे पहले वोट डालने की उत्सुकता है? जो काम करेगा उसी को हम लोग चाहते हैं जी, उसी को चाहते हैं। बिल्कुल, जो हम लोग को इतना दिन से जो इतना ये का समय जब खाना पीना नहीं मिलता। बिल्कुल लक्ष्मी, तो देखिए यहाँ पर तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, लेकिन प्रत्युष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रत्युष, आप कौन से पोलिंग बूथ पर मौजूद है और वहां की क्या तस्वीरें हैं? मैं आपको बता दूं कि मैं मुर्शिदाबाद में हूं, यहां पर कोई चुनाव नहीं है, यहां पर 26 तारीख को यानी कि सातवें फेज में चुनाव होना है। लेकिन आज जिन बाकी जिलों में जहां पर चुनाव हो रहा है उसमें नॉर्थ बंगाल की अगर मैं बात करूं तो वो कूचबिहार है और अलीपुरद्वार है, जहां 14 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। इंपॉर्टेंट यह है कि उन 14 सीटों में से 12 सीटें पिछले बार टीएमसी के खाते में गई थी, एक सीट बीजेपी के खाते में गई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर इस पूरे 44 सीटों की बात करें, जिसमें आप साउथ 24 परगना, हुगली और हावड़ा की बात करें, 30 सीटें वहां पर हैं। कुल 44 सीटों में से 39 सीटें 39 सीटें टीएमसी के कब्जे में थी। अब इस बार सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट में चीजें लगी हुई हैं टीएमसी की, क्योंकि अब उनके सामने फाइट करने के लिए, पहले तो आप उनके सामने लेफ्ट और कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक का एक चंक था, लेकिन अब आईएसएफ भी उसमें शामिल हो गया। बीजेपी सबसे बड़ी चुनौती दे रही है, और आज जिन इलाकों में मेरे बाकी सहयोगी हैं, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लोग कह रहे हैं कि इस बार राजनेता मंत्री तो हैं ही, साथ ही साथ वो सितारे हैं जो जमीन पर उतरे हैं, यानी कि जिनको टीएमसी और बीजेपी ने इस बार चुनावी मैदान में उतारा, चाहे वो पायल सरकार हो, श्रावंती चटर्जी हो, या फिर बाबू सुप्रियो जो कि सांसद भी हैं। ये तमाम लोगों की आज अग्नि परीक्षा इस बार होगी। बिल्कुल प्रत्युष, आप नजर बना के रखिए और आप सभी नजर बना के रखिए, और जो भी अपडेट होगा वो हम दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देश में कोरोना का कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। भोपाल एम्स के 53 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। डॉक्टर, छात्र, कर्मचारी समेत 53 लोग संक्रमित हुए हैं लगातार। किस तरीके से सबसे ज्यादा अगर जो आंकड़ा भी सामने आ रहा है तो वो डॉक्टर्स ही हैं जो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, चाहे हम दिल्ली एम्स की बात करें या फिर अन्य अस्पतालों के। और अब यहां पर देखिए किस तरीके से 53 जो लोग हैं वो कोरोना संक्रमित हुए हैं, उनमें डॉक्टर्स हैं, छात्र हैं और जो कर्मचारी वहां पर काम करते हैं। दरअसल ये जो 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, चाहे आप दिल्ली की बात कीजिए, यूपी की बात कीजिए, लखनऊ की बात कीजिए, हर जगह जो डॉक्टर्स इस वक्त संक्रमित हो रहे हैं वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और चलिए एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में भी कोरोना संकट गहरा गया है। महाराष्ट्र में 2 दिन के लिए लॉकडाउन दरअसल लग सकता है, और इसके लिए आज सीएम उद्धव ठाकरे मंथन करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्ण रूप से लॉकडाउन का फैसला हो सकता है। देखिए अगर पूरे देश की बात की जाए तो सबसे ज्यादा चिंता का विषय अगर कोई है तो वो महाराष्ट्र ही है, क्योंकि लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं वो चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन का फैसला लिया जा सकता है। तो देखिए लगातार इसी तरह बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर फॉरन लौट रहे हैं।